आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट क्लास वर्स ऑफ कैलकुलेशन का अलजेब्रा। अलजेब्रा की एक्सरसाइज है 1.1। तो एक एक नंबर के कुछ सवाल दिए हैं 6 नंबर तक, जैसे अंकों का प्रयोग किए जाने वाली गणकों का क्या कहते हैं अंकगणित, अंकगणित तथा बीजगणित का प्रयोग किए जाने वाले क्या कहते हैं बीजगणित, समान चिन्हों के गुणनफल को क्या कहते हैं धनात्मक होता है, गुणनफल क्या होता है धनात्मक। तो इस तरह से सातवां जो सवाल है आपका मैं बता रहा हूँ संख्याओं का योग क्या ज्ञात करवा रहा है, सातवां जो क्या करवा रहा है योग, इनकी सातवां जो सवाल है इनकी योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। जैसे पहला जो दिया है मैं सवाल दिया है 7AB माइनस 4BC प्लस 8AC कॉमा 6BC, कॉमा की जगह मैं करूंगा यहां 6BC कॉमा 6BC माइनस 4AB माइनस 5AC कॉमा 3AB प्लस 2AC। तो हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 7AB माइनस 4BC प्लस 8AC कॉमा हटाएंगे क्या क्या चला रहा है प्लस का 6 क्या है 6BC माइनस 4AB माइनस 5AC कॉमा के चिन्ह हटाएंगे आगे लगाएंगे प्लस 3AB प्लस 2AC प्लस 2BC। केवल योग याद करना, कॉमा हटा के मैंने जोड़ का चिन्ह लगा दिया, जोड़ना है ऐसे, देखिए कैसे जोड़ूंगा 7AB ये है, 7AB में से 4AB कट रहा है, पहले AB जोड़ी प्लस प्लस से जोड़े 7AB और 3AB कितने हो गए 7 3 10AB में से 4AB क्या कर रहा है घट रहा है, तो कितना बचा 6AB। अब BC की बात आ गई, BC देखिए 2BC है 6BC है, 6 2 कितने हो गए 8BC में से कितने घट रहे हैं 4BC, तो प्लस के 4BC। अब 8AC ये है, 8AC में से 5AC घट रहा है तो कितना बचा 3AC और 2AC ये 3 2 5AC, तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, देखिए प्लस 7AB प्लस प्लस जोड़ दिया और माइनस भी घटा दीजिए, तो 7AB ये है 7 3 10, 10 में से कितने AB घट रहा है 4AB घट रहा है तो 6AB बचा, ऐसे 4AB माइनस के हैं और 4BC माइनस के 6BC प्लस के, तो 6 में 4 घटा 2BC बचा 2BC है तो कितना होगा 4BC। 8AC में से घट रहा है 5 है 3AC बचा और 2AC ये है 3 2 5 है, तो इस तरह से हमारा जोड़ हो गया। ऐसे इसका दूसरा पार्ट करना आपको होमवर्क में, मैं एक ही पार्ट बता रहा हूँ आपको, अब आठवां है घटाने का, आठवां जो सवाल दिया है 8x माइनस 5y, 8x माइनस 5y प्लस 3z2 को 10x माइनस 2y में से घटाना, किसने 10x माइनस 2y माइनस 4z
से घटाने पर प्राप्त होगा इतने को इतने से घटा, कितने से घटाना, इसमें से घटाना। देखिए इतने को इतने में से घटाना, तो 10x माइनस 2y माइनस 4z, इसमें से घटाना, इसमें से घटाना, ब्रैकेट लगा लो, ऐसे चिन्ह लगा लिया। किसको घटाना है? इसको 8x माइनस 5y प्लस 3z, ये घटाना। अब देखिए ये 10x माइनस 2y माइनस 4z, ये माइनस से इसमें गुणा होगी, यहां कुछ नहीं तो प्लस का माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 8x। अब माइनस, अब इसकी इसमें गुणा होगी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5y। माइनस की अब किसमें होगी, इसमें माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 3z। यानी घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, जो प्लस का है वो कायदा माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। अब देखिए 10x में से 8x घट रहा, कितना बचा 2x, 2y में से 5y क्या हो रहा है, ये माइनस 2y, ये प्लस के 5y, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 3y, काय की प्लस की, क्योंकि प्लस किया देखें, 4z में से 3z क्या हो रहा है, समान चिन्ह, समान चिन्ह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4z 3z, कितना हो गया 7z। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब नवा सवाल है, बाकी जो सवाल है नवा है, दसवां है, ग्यारहवां है, अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, आप अपने घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो नवा सवाल है, a प्लस 1/3a ब्रैकेट 1 a स्क्वायर प्लस 1/3a स्क्वायर का मान होगा, का मान होगा, यहां लिखे ये सवाल है। तो इसमें करना क्या है, हमें देखिए a 1/3a a स्क्वायर प्लस 1/3a स्क्वायर, इसमें इससे गुणा करने है, फिर इसमें करने है, फिर इससे, फिर इससे। देखिए कैसे करता हूं, a की इसमें करना, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 1/3a स्क्वायर, अब इससे गुणा इसमें, इसमें प्लस 1/3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/3a इंटू 1/3a स्क्वायर। देखिए एक ही घात गुणा में घाते जुड़ जाए, 2 और 1 3, एक ए से कट गया 1/3a प्लस एक ए से कट गया तो 1/3 प्लस 3 3 9, एक ही घात है, 2 तो कितने, एक ही घात 3, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी वाला सही है, ठीक है। बाकी हम दसवां है, ग्यारहवां है, बारहवां सवाल अगले वीडियोस में आपको हल कराएंगे।